शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने टाइम निकाला और गए थर। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ थर का। मैं पहली बार थर गया था जब शौकत अजीज़ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे महेश मलानी उनके खिलाफ कॉन्टेस्ट कर रहे थे। 2004 था या 5 था, 4 होगा। मैं पहली बार गया था, कराची से हम निकले थे और हमें मिट्टी पहुँचने में तकरीबन 8 घंटे लगे मिट्टी जाते हुए। फिर हम मिट्टी से डीपलो गए थे तो रास्ते में कच्चा रास्ता था, 4x4 में सिर्फ जा सक रहे थे। और ये पोजीशन थी थर के उधर हालत जो थी। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई, थर का जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स ये थर का कोयला, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था उनके ज़माने में, ये 94-95 में शुरू हुआ था, 92 में पहली बार डिस्कवर हुआ था। और जब हुकूमत आई तो सदर आसिफ अली सरदारी, अभी प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हुए थे, बिलावल हाउस में उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ये शहीद मोहतरमा का एक विजन था और इसको हमें आगे बढ़ाना है। कायम मिलिशा साहब थे उधर ही बैठ के, उन्होंने कहा कि आप एक बॉडी बनाएं और मैं आपको वफाक की पूरी मदद करा के दूंगा इसमें, इसलिए कि बिजली बनाने के लिए आपको वफाक के बगैर काम होगा नहीं, ज़रूरत पड़ेगी। तो थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड बना और ये पाकिस्तान में वाहिद इदारा है जहाँ पे सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं, चीफ मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, फेडरल पावर मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन है। और यही थी 2008 और 9 में बन गई था एक्ट, मेरा ख्याल है ड्राइविंग फोर्स यही थी इसके पीछे कि इसकी लीड ली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हमें काफ़ी मुश्किलात आई थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि उन मुश्किलात को कायम मिलिशा साहब ने बड़ा, उनका अपना पैशन था कि वो इसको आगे बढ़ाएं और हमने सूबाई हुकूमत ने इसको आगे ले गए। हमने पहला जब बिडिंग करने गए थे ये थर कोल के लिए, तो उन्होंने कहा कि जी लिटरली कोई बिडर नहीं आया। उसकी एक वजह थी, मैं बहुत लंबी स्टोरी कह दूंगा, कि जब 97 के अंदर एक चाइनीज़ कंपनी थी शेनवा के नाम से, उसको एक बिड मिला था और उस वक्त 0.25 सेंट वो मांग रहे थे, 5.75 सेंट्स, और गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं हम आपको 0.35 सेंट का फ़र्क था, हम इतना देंगे, और वो चले गए थे। और उसके बाद लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो कहा गया कि जी ये तब तक नहीं बनेगा जब तक हुकूमत सिंध खुद अपने पैसे नहीं डालेगी। फैसला किया हुकूमत सिंध ने, वो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनाई, एंग्रो कॉरपोरेशन के साथ हमारी अग्रीमेंट हुई, और पहले 40% सिंध हुकूमत का था, उसमें 60% एंग्रो कॉरपोरेशन का था। जब हम आगे बढ़े तो हमें इंटरनेशनल फंडिंग उसके लिए नहीं मिल रही थी, और उसकी वजह ये थी, वो कह रहे थे कि जी सॉवरन गारंटी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट के पास गए उस वक्त राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये 2012-13 की बात है, सही है जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और उस में कहा कि जी हम सॉवरन गारंटी देंगे, एक शर्त रख दी, लेकिन उसके लिए ओनरशिप मेजॉरिटी सिंध हुकूमत की होनी चाहिए। फिर हमने उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज किया और इस वक्त हम 54% हैं, नहीं 54% है हमारा शेयर SECMC में, 54%। एक वक्त में 60 तक ले गए थे, फिर हमने कुछ ऑफलोड किया, 54% हमारा शेयर है और बाकी 46% एंग्रो और कई और हैं कंपनीज, उनका शेयर है। ये हमने डेवलप किया। फिर एक स्नैग आया और मेरा ख्याल है ये एक और इस प्रोजेक्ट या थर की खसूसियत है, थर की बाकी जो हमने काम किए वो भी, कि वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली सरदारी, जो उस वक्त सदर नहीं रहे थे, उन्होंने जॉइंटली आके इसका इफ्तिताह किया। मेरे ख्याल है ये कोऑपरेशन थर के अंदर, फिर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें जो हम चाह रहे थे कि आगे बढ़े उस तरीके से नहीं बढ़ी, लेकिन ये भी जब प्रोजेक्ट बिल्कुल डेड हो गया था तो एक इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ने लिया, जरदारी साहब से बात की एंड ही वॉज मोर देन हैप्पी। फिर उन्होंने मदद भी की कि किसी तरीके से कॉन्टैक्ट बने और वो अग्री करें इस चीज़ पे। तो ये भी एक हिस्टोरिक मोमेंट था, मेरे ख्याल है कहीं और
अब तो हम सोच भी नहीं सकते, मामलात सियासी ऐसे हो गए हैं कि किसी कोई इस टाइप की चीज़ हो। फेडरल गवर्नमेंट ने और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए सॉवरेन गारंटी के लिए। उन्होंने कहा कि जी हम आपको सॉवरेन गारंटी तब देंगे जब आप हमें इजाज़त देंगे कि अगर ये गारंटी कॉल हो जाए, यानी इसके ऊपर पैसे देने पड़े वफाक को, तो हम आपका जो हिस्सा है एनएफसी शेयर का उसमें से काट लेंगे। हमने थोड़ी सी रेजिस्टेंस उसमें की कि भाई आप शेयर ना काटें, आप हमें डिमांड करें, बिकॉज मेरे अभी भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कर नहीं सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये डायरेक्टली जाएगा सूबे को। लेकिन हमने प्रोजेक्ट की खातिर इसको भी माना और फिर फाइनली 2015 के बाद जाके ये चीज़ें फाइनलाइज हुई और 2018 में इससे कोयला निकला और तब से बिजली ये जनरेट कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जिससे भी बात करते थे प्राइवेट सेक्टर या जो लोग आ रहे थे, कहते कि जी हम थर जाएंगे, वहाँ ना कोई सहूलत है और इधर आपको सबसे पहले तो रोड नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वो रोड नेटवर्क आपने खुद देखा होगा, कराची से लेके मिट्टी तक और इवन आगे इस्लामकोट तक, और इस्लामकोट से नंगर तक भी अभी एक टुकड़ा थोड़ा सा रह गया हुआ है, वो भी कर रहे हैं काम उसमें, क्या काम वो भी एक देखा था। फिर हमने लोकल कम्युनिटी के लिए आरओ प्लांट्स, उसमें इश्यूज आए हैं, एक टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि कुछ चल रहे हैं कुछ बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं अगेन हमारा काम है कि सबको चलाना। लेकिन आप ये सोचें जब लोग कहते हैं कि जी आरओ प्लांट नहीं चल रहा और बंद हो गया, दैट मीन्स किसी वो चल रहे थे और लोगों को सहूलत मिली थी जो पहले कभी नहीं थी। हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हमने जो लोगों को वहाँ से मूव किया उनके लिए प्रॉपर घर बनाने और एक कम्युनिटी उनको देना, ये सब चीज़ें हमने साथ रखी अपने प्रोजेक्ट में। सिंध वाहिद हुकूमत है जिसने अपने खर्चे पे एयरपोर्ट बनाया है। सियालकोट की बात करते हैं, सियालकोट में वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलके एयरपोर्ट बनाया, बट वो मैं आपको बता दूँ वो एक्सपोर्टर्स के जो पैसे मिलते हैं, खैर उसको छोड़ दे, मैं सियासत में नहीं जाना चाह रहा, अच्छी बात की है उन्होंने। लेकिन सूबाई हुकूमत एक ही जिसने अपने खर्चे पे एयरपोर्ट बनाया है। हमें बीच में मसला हुआ ठट्टा और सजावल के दरमियान जो पुल है, वो पुल 1950 के करीब का बना हुआ था और उसमें क्रैक्स आ गए। उन्होंने कहा जी बड़ी गाड़ियां तो जा ही नहीं सकेंगी जो आप इधर से इक्विपमेंट ले जाएंगे। और हमने इंडस के ऊपर नया ब्रिज गलत 10 महीने में कम्प्लीट, आज 10 महीने में हमने वो कंप्लीट किया ब्रिज इंडस के ऊपर, आपने उससे गुजरे होंगे उसी नए ब्रिज से। तो सिंध हुकूमत की पूरी कमिटमेंट थी। और ये किस लिए थी, लोग अक्सर कहते ना हमारा अपना खर्चा जो इस प्रोजेक्ट पे आया है इक्विटी और वो सब मिला के, नंबर शायद शेख साहब को याद हो, इट्स नॉट लेस देन $1 बिलियन। हाँ, $1 बिलियन का मतलब है आजकल के हिसाब से 180 अरब रुपए ओवर द ईयर्स जो खर्चा किया है। हमें लोग ताने देते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया, वो मेट्रो लाहौर में बन गई इधर, अब तो इधर भी एक वो ग्रीन लाइन जो उन्होंने बड़ी हो गई है कि हम बाकी कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट बिजली पूरे पाकिस्तान को देगा, और इस वक्त भी जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है 660 मेगावाट का, वो वहाँ से बिजली उठाता है, ले जाता है मटियारी से वो जाती है फैसलाबाद। 2000 मेगावाट और इंशाल्लाह ताला इसी साल कंप्लीट हो जाएंगे, डिटेल्स आपको 2660 की और एक 1320 का, हाँ 1360 2000 मेगावाट तकरीबन एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ये बिजली भी जाएगी पूरे पाकिस्तान नेशनल ग्रिड में जाएगी। हमने इस सिलसिले में कोशिश की है, अगेन जो लोकल्स डिज़र्व करते हैं, मैं कह रहा हूँ हम नहीं कर सके ज़्यादा उनका, लेकिन कोशिश ज़रूर की है, हमारी पूरी कोशिश रही है, ख़ास तौर पे जो हमारा प्रोजेक्ट है SSCMC वाला, कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट रहे। लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने नंबर्स शेख साहब आपको दे सकेंगे वो कि एक हर वक्त में 60-70% के करीब रहते हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ पे एंग्रो के साथ मिलके एक इंस्टीट्यूट बनाई, हमने NED यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस बना और फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन रही है वहाँ, और ये टाइम लगेगा इन चीज़ों में। हाँ
हाँ, लेकिन एनईडी अब नई कैंपस बना के नई यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं, जिसके हमने सारी अप्रूवल्स वगैरह दे दिए हैं और वो इंशाल्लाह बनेगी। मेरा पर्सनल ख्याल है कि थर जिस तरीके से अगर डेवलप हुआ और हमारी गवर्नमेंट्स की रही, तो ये कराची को भी एक वक्त में पीछे छोड़ देगा हर दुनिया में। आते मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 50 साल बाद की बात कर रहा हूँ कि जिस जो पोटेंशियल है उधर। तो हुकूमत सिंध का हमेशा हमने इस्लाम कोड को 200 यूनिट या कितने हमने कहा, 100 यूनिट्स मुझे नंबर वो। अच्छा, चेक कर लेंगे। नहीं, हमने जो दिया था ना वो, अब वो हेस्को वाले फिर करते कि लाखों के, मैं ये चेक कर लूँगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो गरीब से गरीब तर हैं, जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, और ऑब्वियसली अगर मेरा उधर घर है या अरबाब साहब हैं उधर के, उनका घर है, तो हम उनको नहीं रिलीफ देना चाह रहे। ही कैन पे हिमसेल्फ। हम गरीब जो पोर इज द पोर, इसलिए 100 यूनिट का रखा था और उसका हमने हेस्को से पूरा हिसाब लिया था कैलकुलेट करके, और जो पैसे बन रहे थे वो हम उनको डिपॉजिट कर देते हैं अप फ्रंट। तो अगर उसमें कुछ इश्यूज हैं तो हम वो देख लेंगे इसमें क्या है। वो देख ले, वो उसको फिर दोबारा देख लेंगे। हेस्को से ही है वो भी, लेकिन हमारे हेस्को को भी हमें ही सीधा करना है और कोई नहीं करेगा। नहीं, हमारा गिला नहीं हेस्को से, हमने हेस्को को सीधा करना है। जहाँ गड़बड़ करेंगे तो दिखाना है उनको, पहले भी किया। नहीं, हम वादा पूरा, और हमें लोगों के शिकवे सुनना पसंद है। इससे होता है हमें खुशी ये होती है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन भी हमसे ही है। शिकवा आप अपनों से ही करते हैं ना, तो इसलिए ये जो अक्सर आते हैं ना, वो आप लोग मीडिया वाले भी दिखाते हैं जाके कि ये सिंध हुकूमत ने ये नहीं किया, सिंध हुकूमत ने वो नहीं किया, मुराद अली शाह ने ये नहीं किया, बिलावल साहब ने ये नहीं किया, तो हमें खुशी होती है। वो ये तो नहीं कहते इमरान खान ने आके ही नहीं किया, पता है इमरान खान कुछ नहीं करेगा, इधर होगा इधर ही से। तो आप लोग तो शायद समझते हैं कि बड़ी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, या मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हमें खुशी होती है कि अच्छा यार हम भी तो अपने बड़ों से मांगते थे ना चीज़ें। गिला दोस्तों के साथ दुश्मन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दुश्मन भी करते हैं, खुश नहीं होते। अब बोले अच्छा जनाब, वो कहते हैं ये क्या कानून लिखा हुआ है, इसकी हिस्ट्री चले इस पर आना चाहते हैं, इसकी हिस्ट्री मैं अपने बता देता हूँ। 2001 में मुशर्रफ साहब एक कानून लाए, उस कानून में सूबाई हुकूमतें थी नहीं, या सूबाई असम्बलियाँ नहीं थी, नेशनल असम्बली भी नहीं थी, एक ऑर्डिनेंस आया था सूबे का, और उनका बड़ा क्लियर है मकसद ये था कि वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एक फेडरेशन का कंट्रोल रखना चाहते थे, सूबाई लेवल को ख़त्म करना चाहते थे। मेरे हिसाब से हमें, मुझे याद है हम लोग बैठते थे तो हमारे एक दोस्त थे, वो हमेशा उठ के सबसे पहले कहते ये डेवल्यूशन का नहीं है, डेमोलिशन का लॉ है। सारे इदारे तबाह कर दिए, जो ये बात कर रहे हैं कराची के अंदर, जो अभी सारी हम सारा नज़ला तो हमारे ऊपर गिरता है, और सही भी हम आदि हैं ये चीज़ें बर्दाश्त करने के, और करते हैं कि जी इनक्रोचमेंट्स पूरे पूरे, अभी रोज़ नालों के ऊपर धमाके हो रहे हैं, नाले अलॉट कर देना। मैं आपको इधर जाएं कराची में, प्लीज़ शाह साहब इनको एक टूर कराएं कि ये सारी आबादियां हुई, इन लोगों ने ये सारे रोड कमर्शियल कर देना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवा देना, उसमें विदाउट कंसिडरिंग कि उसमें पानी का अरेंजमेंट है कि नहीं है, और फिर वो कंटिन्यू होता रहा आगे। तो ये सारे उस ज़माने में के एम सी तो नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उस वक्त, सिविक सेंटर उसका था। वो कहते थे कि आप ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट पे चढ़ें, और अगर आपका उस वक्त 7 ग्रेड है तो आप ऊपर पहुंचते पहुंचते आप 18 ग्रेड में पहुंच जाते थे। और मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं ऐसे लोगों की, टोटल तबाह कर दिया इन्होंने सिस्टम को। 2013 में आके
हमने डेफिनेटली वो सारे पावर्स ले लिए और सूबाई हुकूमत को दिए। 2013 के कानून में जो जिसके तहत इन्होंने इलेक्शनें लड़ी और सब कुछ है, अब 2020 का जो कानून है उसमें हमने काफ़ी चीज़ें वापस की हैं। इन द सेंस हमने वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का एक्ट बना दिया था और उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 2014 में ले लिया, 14 का था लॉ, 13 या 14 का लॉ था वो, अब हमने रीजनल बना के और मेयर्स को हर सूबे का उस बोर्ड का हेड कर दिया है। वाटर बोर्ड के अंदर इवन जब मुस्तफ़ा कमाल साहब थे तो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड के चेयरमैन थे, अब हमने जॉइंट चेयरमैन कर दिया, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और मेयर कराची, कराची वाटर बोर्ड के जॉइंट चेयरमैन होंगे। और अल्टीमेटली इसलिए कि वाटर बोर्ड के अंदर इस वक्त ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, रिसोर्सेज दे रही है, तो आप मदद तो मांगते हैं सबसे और कहते हैं इख्तियार सारा मेरे पास हो, ये नहीं हो सकता ना। इस वक्त भी हम एक सूबे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसके तहत सूबा और वफाक आपस में डील करता है, तो इस तरीके से हमने कहा कि जी इस वक्त मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। ओवर ईयर्स जब वाटर बोर्ड को इंशाल्लाह ताला अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे तो ये भी पूरी तरीके से डिवॉल्व हो जाएगा और पूरा उनको मिल जाएगा। आर्टिकल 140A कहता है कि इनके पास फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या होता है पॉलिटिकल होनी चाहिए इख्तियारात। अब इसको डिफिनेशन तो बता देना, फाइनेंशियल इख्तियारात पूरे इनके पास हैं, ये अपना बजट खुद बनाते हैं। हमने जो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट करता था इनके लिए प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट वो करता था लेकिन देता इनको था और अपना बीच में 15% रखते थे कितना रख लेते थे, हमने वो ख़त्म किया कि नहीं लोकल गवर्नमेंट्स खुद करें, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की तरफ ज़्यादा गए, ऑलरेडी ऑटोनॉमस है इसका यही डेफिनेशन तो कोई नहीं है ना कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या है, या तो चलो कहें कि जी हम खुद ही जिम्मेदार हैं, ना आपसे पैसे लेंगे ना क्या, 80% पैसा इनको प्रोविंशियल डिविजिबल पूल से आता है, तो वो चेक एंड बैलेंसेस तो होंगे जैसे हमारे ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के हैं। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हैं। स्टेप इन राइट्स इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है फेडरेशन के, कहीं वो इस्तेमाल होना बुरा समझा जाता है, इधर भी अगर कहीं स्टेपन करते हैं तो बहुत ही जब ख़राब हालत होती है, और किया नहीं कभी, आई डोंट थिंक स्टेपन किया हमने किसी जगह पर पिछले 3-5। ये स्टेपन राइट्स का मतलब है कि अगर कोई लोकल काउंसिल काम सही नहीं कर रही है तो हुकूमत अपना एडमिनिस्ट्रेटर उधर मुकर्रर कर देगी और टेक ओवर कर लेगी, ये कानून में गुंजाइश है। पंजाब में कर दिया था उन्होंने शुरू में ही, हमने तो 5 साल में नहीं किया, जो 4 साल इनका टेन्योर था किसी के साथ नहीं किया, लेकिन ये कानून में स्टैंडर्ड राइट्स होते हैं। कानून के अंदर हमें अगर सिर्फ आपने अच्छा, दूसरा जो हमने क्या किया, इन्होंने मुशर्रफ साहब ने 2001 में हेल्थ और एजुकेशन डिवॉल्व कर दी थी, और जो हालत आज तक हम उसको निकल नहीं सके उस चीज़ों से हेल्थ, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आई डोंट नो पंजाब का भी यही एक्सपीरियंस होगा। तो 2013 में हमने सारे वो वापस ले लिए थे हेल्थ, एक्सेप्ट वो इदारे जो लोकल काउंसिल्स खुद चला रहे थे, जिसमें कुछ डिस्पेंसरियाँ हैं, कराची में सिर्फ एक अस्पताल है बड़ा अब्बासी शहीद, ठीक है जी। हमने कहा कि चलती डिस्पेंसरी नहीं है और क्रिटिसिज्म होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, तो हमने इनसे हमने ये कहा कि सारे हम ले लेते हैं, इनको फोकस करने देते हैं म्यूनिसिपल सर्विसेज पे, हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ हमने एक नया चेक रखा कि हर लोकल काउंसिल को इख्तियार है, बल्कि इख्तियार क्या मैंडेटरी है, अगर कोई प्राइमरी स्कूल है किसी यूनियन काउंसिल में तो प्राइमरी स्कूल का जो हेडमास्टर प्रिंसिपल जो भी होगा वो हर तीसरे महीने अपनी एक रिपोर्ट देगा काउंसिल को, यूनियन काउंसिल को, कि जी मेरे इतने स्टूडेंट हैं, इतने टीचर्स हैं, ये मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की ये पोजिशन है, काउंसिल उसको डिलिबरेट करके और फिर फेडरल सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस देगी, ऑब्जर्वेशंस देगी कि जी ये चीज़ इसको ज़रूरत है ये नहीं है, तो हमारी को ये पहले ये इख्तियार कभी 2013 में इनके पास नहीं था, ये एडिशनल इख्तियार आ गया। हमने कुछ लिए हैं, मैं तो इस पर भी हमने आपस में डिस्कशन की है, ये भी तैयार हैं अगर ये बात अच्छा हमसे बात करना नहीं चाहते, सिर्फ टीवी पे आपसे बात करना चाहते हैं, टीवी पे आना चाहते हैं, उसे हमने कई बार इन्वाइट किया,
नासिर शाह साहब बैठे हैं, इनकी सेवरल मीटिंग्स हुई इनके साथ, ऑफिशियल फॉर्मल लेवल पे भी, इनफॉर्मल लेवल पे भी, राइटिंग में लिख के भेजा इनको कि अपने आप रिकमेंड, ये कानून से पहले अपनी रिकमेंडेशंस दें। कानून हमने ज़रूर थोड़े जल्दी में पास किया, और उसकी वजह थी हमने इतराज़ डाला हुआ था सेंसस पे। मैंने एज मेंबर ऑफ सीसीआई में ऑब्जेक्ट किया था, डिसेंटिंग नोट डाला था। सीसीआई की तारीख में पहला फैसला था जो यूनानिमस नहीं हुआ था, जब सेंसस का फैसला किया था इन लोगों ने अप्रूव करने का, मैंने उस पर ऑब्जेक्शन, ना मेरा ऑब्जेक्शन बड़ा, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपने मुझे कभी सुना है। सेंसस का तरीकाकार ये है कि पहले घर शुमारी करते हैं, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स निकाल लेते हैं कि हर सूबे में, हर शहर में, हर इलाके में कितने हैं, और फिर मर्दमशुमारी करते हैं, उस घर में जाके देखते हैं कितने। अगर आप वो डेटा देखेंगे तो सिंध के घर हैं 8 लाख पे, 8.85 मिलियन, आई थिंक 88 लाख 50, ऐसे कुछ, जो भी खैर है नंबर शायद मैं भूल जाऊँगा। ऐसे जो सिंध के घर हैं, और फिर पॉपुलेशन को घरों से डिवाइड करें, तो पर हाउस होल्ड सिंध के अंदर कोई 5.5 बंदा है, पंजाब के अंदर 6.5 बंदा है, बलूचिस्तान के अंदर 7 है, और KPK में 7.5 है। ओ भाई क्यों हमारे यहाँ कम है? अच्छा, एक इदारा है यूनाइटेड नेशंस का जो ये सर्वे करता है, उसने जब सर्वे किया था तो हमारे नंबर काफ़ी ऊपर थे, और इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस तकरीबन बराबर थे। तो हमने कहा कि भाई ये कहीं गड़बड़ है, आप इसको रिव्यू करें। और हमने कहा कि बाकी 3 सूबों का एवरेज ले लो, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारे ज़्यादा हैं, 3 सूबों के एवरेज पे हमें दे दो, या चलो हमसे जो सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब के बराबर कर दो। तो इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन, उन्होंने तकरीबन 48 मिलियन, 4 करोड़ 80 लाख के करीब है, वो 6 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। तो सूबे का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं कैसे उस पर एग्री करूँ? तो मैंने ऑब्जेक्ट किया, नहीं माना गया, जैसे मैंने कहा उसके खिलाफ फैसला हुआ। पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप पार्लियामेंट में जाएं, CCI के फैसले के खिलाफ कोई भी जा सकता है। हम पार्लियामेंट में गए इमीडिएटली, विद इन 15 डेज आई एम श्योर वो चले गए होंगे। अप्रैल में हम पार्लियामेंट में गए, 2 रिमाइंडर्स भेजे कि भाई जॉइंट सेशन बुलाओ, फैसला करो, एक तरफ करो, कम से कम लोगों को पता तो चाहिए ना, हमारे भी उधर लोग नुमाइंदे बात करेंगे कि हमारी क्या है, हमारी ग्रीवेंस तो पता चले। ठीक है, आपके पास अदद की अक्सरियत है, आप पास जरूर कर लेंगे, लेकिन ग्रीवेंस तो सही तरीके से पता चले। अप्रैल से लेके 2 या 3 रिमाइंडर्स देने के बावजूद इन्होंने जॉइंट सेशन नहीं बुलाया। 17 नवंबर को जॉइंट सेशन अपनी मर्जी के लिए बुलाया, और एक दिन पहले इसको भी एजेंडा में डाल दिया, और 15 या 20 मिनट की डिस्कशन हुई, और इन्होंने हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जो हमारी प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब जब तक पॉपुलेशन फाइनल नहीं होती, बिकॉज ये आखिरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर केस पड़ा हुआ है तो मुझे आसरा तो है ना कि कुछ फैसला हो सकता है, अगर हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ भी फैसला दिया है। पार्लियामेंट वॉज द लास्ट फोरम, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने कानून चेंज नहीं किया, हमने ज़रूर, जैसे मैंने कहा, नासिर शाह साहब हर एक से बात कर रहे थे, ये टाउन्स बनाए, जो कुछ चेंजेस किए हैं, ये सब सलाह मशवरे से। 17 तारीख को उनका फैसला आया CCI का, 17 नवंबर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 21 नवंबर को हमारे पास इलेक्शन कमीशन से ख़त आया कि आप हमें, हम 1 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं हल्का बंदी। अच्छा, अब हल्का बंदी हमारे पुराने नंबर्स के साथ अगर होती तो जहां हमारे पास 100 यूनियन काउंसिल है वहां 200 हो जाती, वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए आपको लेवल बढ़ाना पड़ता। तो हमने इसलिए जल्दी की और हम असेंबली में ले गए, असेंबली से हमने पास कराया, किसी कमेटी में नहीं भेजा, जितने नॉर्मल प्रोसेस में हम हर कानून भेजते हैं कमेटी में। और फिर गवर्नर साहब का इतराज़ हुआ, उसमें अमेंडमेंट्स की फिर पास कराया, और हमने कहा असेंबली में ये कि ये सब हुआ है, चले हमारे ऊपर इतराज़ है, आपने बड़ी जल्दी में पास कराया, पंजाब का कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुआ है तो असेंबली में आया ही नहीं, इस्लामाबाद का कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया है, नेशनल असेंबली में आया ही नहीं। उधर एतराज़ नहीं हो रहा कि जल्दी होगी या है या नहीं है,
केपी के तो सबसे निराला एक सिस्टम हुआ है, आपको पता नहीं, आप लोगों को शायद अंदाजा होगा, केपी के अंदर कानून एक है, फिर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस कानून के खिलाफ फैसला दिया, उन्होंने नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कर रहे थे, तो हाई कोर्ट ने कहा ये पार्टी बेस्ड इलेक्शन होनी चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गई, केपी के गवर्नमेंट उसके खिलाफ, अभी उधर पेंडिंग है, और कानून कहता है नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे कानून को चेंज किए बगैर उन्होंने पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराए। ये सारी चीज़ें उठती नहीं है, बस सारा नज़ला गिरना है, हमारी भी गलती है, हमारे, मैं तो बताया हमने जल्दी की ये है, लेकिन हमने उनसे कहा है कि ये कानून इस वक्त भी ओपन है डिस्कशन के लिए, अभी तो सिर्फ डिलिमिटेशन का प्रोसेस, और हमने एक स्ट्रक्चर तो देना है। जमात इस्लामी वालों के पास कल गए भी थे नासिर शाह साहब, लेकिन अगर आपने बात नहीं करनी है, असेंबली के अंदर भी हमने इनसे कहा कि आप बात करें, लेकिन वो हंगामा कर रहे थे, वो बाद में कि जी बात नहीं करने दी, उनको ये नहीं समझ आती कि भाई बात करने के लिए पहले प्रेजेंट होगा उसके बाद होगा, नहीं, कुछ किए बगैर हम पहले बात करेंगे, वो पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा उसके बाद आप बात करना शुरू होंगे, उसी पे हंगामा कि आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। फिर कुछ उनमें से लोगों ने अमेंडमेंट्स भी डाले, हमने कहा वो अमेंडमेंट टेकअप करेंगे आपकी, लेकिन उन्होंने वो अमेंडमेंट शोर हंगामे में मूव ही नहीं की, मूवर ही जब नहीं अमेंडमेंट्स का तो कैसे होना है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन एक मैं ये मानता हूँ कि शायद इसको हैंडल नहीं कर सके, मीडिया के साथ भी हैंडल नहीं कर सके प्रॉपरली, कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। वो आपके पास कोई आइडिया तखमीना तो होगा कि ये कितने बिलियन डॉलर्स का है, अगर उससे फॉर एग्जांपल $2 बिलियन का निकलता है तो वो जो मकामी आबादी है उसमें उसका हिस्सा कितना होगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में बलूचिस्तान सिंध में यही इश्यूज चल रहे हैं कि गैस इसके अलावा। लेकिन सर इसके साथ ये है कि आपने एक मॉडल विलेज तो बनाया है जहाँ पे आरओ प्लांट भी है और ये चीज़ें, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको रीलोकेट किया गया था वहाँ से, इस तरह की बात है, तो क्या ये मॉडल विलेज जैसे घर छोटे बाकी जो वहाँ पे आबादी है उनके लिए कोई प्लान है? देखिए दो तीन चीज़ें हैं, एक तो आपने प्रोजेक्शन की बात की ना, पहले उस पर आ जाता हूँ। कोशिश की है हम अगेन, हमें, मैंने खुद 6 या 7 बार बजट प्रेजेंट की, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, एस चीफ मिनिस्टर, मैं फाइनेंस पोर्टफोलियो मेरे पास ही है, और मेरी आप 6-7 साल की बजट स्पीचेस उठा लें, अगर मैं 1 घंटे की स्पीच करता हूँ ना तो उसमें 15 मिनट थर पे बात करता था, और ये अब मैं इससे ज़्यादा और क्या करे आदमी, हर जगह पे बिलावल साहब जहाँ जाते हैं थर की बात करते हैं, हाईलाइट यही होगा ना, लेकिन डिस्पाइट दैट हम नहीं कर सके अट्रैक्ट अटेंशन लोगों की, इस थर पे आपके हमारी चीफ जस्टिस साहब जो पिछले थे साकिब निसार साहब, वो चले थे मेरे साथ, मैंने उनको कहा था कि आप चलें, वो चले जी मैं आपके साथ चलूँगा, बड़े ख़राब मूड में पहले तो वो गए 1-2 जगह अस्पतालों में, जो भी किया उन्होंने, जब हम उनको ले गए थर का बताने के ये हम कर रहे हैं, तो एक कॉन्फ्रेंस रूम था उसमें थे वो प्रेजिडेंट, कहते ये कब करोगे कब आप लोग, तो मैंने कहा बाहर चले, और उनको हमने फिश फार्मिंग भी दिखाई सैलाइन वाटर पे, एग्रीकल्चर भी दिखाया, ख़वातीन ट्रक ड्राइवर्स भी दिखाई, जो मैंने कहा ये सब हो गया है, और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की थी तो कमरे के अंदर कहते ये तो आपकी सारी हवाई बात है ना, आप करोगे कब ये, तो ये उन, अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ अगर जो बंदा आता है उधर देखते उसको भी नहीं पता है, आप लोगों को भी नहीं शायद इतना अंदाज़ा होगा कि क्या हुआ है, व्हाट डज वन डू, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं हमें और करना चाहिए। लोकल थरीज जो हम कर रहे हैं, हमने 2 चीज़ें की हैं, थर फाउंडेशन बनाई है,
थर फाउंडेशन पहले ऑब्वियसली जो थर जहाँ पे ब्लॉक्स हैं या वो तालका इस्लाम कोट पहले उसी की उन्हीं का ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। उधर जो हम काम कर रहे हैं फलाई वो थर फाउंडेशन के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हों चाहे अस्पताल मनरा है। और हमने कहा है कि जो रॉयल्टी इस कोयले की मिलेगी, रॉयल्टी कितनी होती है? 7%, 7% रॉयल्टी जो कि हुकूमत सिंध की है वो हम सीधा सीधा थर फाउंडेशन को दे देंगे। थर फाउंडेशन में हमने हुकूमत सिंध उसको हेड करती है, मिनिस्टर साहब उसको चेयर करते हैं और जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, एंग्रो है या जो चाइनीज़ है। हाँ अच्छा, हमने कहा है सिंध हुकूमत 54% शेयर होल्डर है, हम अपना पूरा जो रिटर्न होगा इक्विटी का वो थर फाउंडेशन को देंगे ताकि उधर खर्च करे। कि एक और चीज़, जो भी अफेक्टिव थे, मुझे नंबर चाहिए आपको शायद शेख साहब, पहले मैं याद रखता था सारे, जो भी इफेक्ट हमने किया क्या कि हमने कहा इनको को ओनर्स बनाएं जिन लोगों को हमने वहाँ से मूव किया है। तो जो हमारी 54% थी इक्विटी हमें 51 तक ले जा सकते हैं जब तक सॉवरेन गारंटी इन इफेक्ट है, उससे कम ले जा सकते। हमने कहा 3% इक्विटी हम दे देते हैं लोकल्स को। जब वो हमने लोकल से बात की उनको कुछ समझ नहीं आया ये इसका हम क्या करेंगे, तो अभी हम जो भी हैं उनको वो हमने कहा लाख रुपया पर ईयर फॉर ईच हाउस होल्ड उनको मिलेगा, एवरी हाउस होल्ड, एंड दिस इज बीइंग डन। तो कोशिश ये रही है कि एक नया, और मैं ये बड़ा तसल्ली से कह सकता हूँ कि जो CSR का मॉडल या जो सोशल वेलफेयर का मॉडल थर का है वो पाकिस्तान में सबसे अच्छा है। गुंजाइश और भी है लेकिन वो पाकिस्तान में डेफिनेटली सबसे अच्छा है। सारी सियासी जमातों का ये मुतालबा है कि जल्द इंतखाबात कराए जाएं। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि सूबे में अगर आपका इंतखाबात होते हैं तो आपकी क्या पोजीशन होगी, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल लेवल पे भी वहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? दूसरा एक और परसेप्शन जो है वो बिल्ड हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के लिए किसी लेवल पे डील कर रही है, क्या आप इसको कुछ क्लियर करेंगे? देखिए सबसे पहले वो जो डील वाली बात है ना, बड़ा क्लियर है, अगर हमने डील करनी होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये हमारे जरासी में नहीं है डील करने वाले, अनफॉर्चुनेटली करना भी चाहते हैं ना तो हमसे नहीं होती। मैं सिर्फ प्रॉब्लम ये है वो कोई नहीं, इलेक्शंस जो हुकूमत ये हालत कर रही है और जिस तरीके से मुल्क को डिबोया गया पिछले 3 साल, मैंने अपनी आंखों आप सब ने देखा है, पता नहीं आप लोग कुछ अग्री करते होंगे कुछ ऑब्वियसली कुछ और व्यू होता होगा, हर एक अपनी व्यू है। हमारा ख्याल एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारी अभी रिसेंटली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हुई है, और ख्याल ये है कि जितना अरसा ये हुकूमत रहेगी ये और नीचे ही ले जाएगी, और अब टाइम है कि और लोगों के पास जाया जाए और एक फ्री फेयर इलेक्शन। हम इलेक्शंस के बारे में भी, अभी आप लोग कराची आए हैं, मैं आपसे कहूँगा कि लोकल्स से मिलने, जो फॉर एग्जांपल पीटीआई को वो 14 नशिस्तें MNA नेशनल असम्बली कराची से मिली थी, वो कैसे मिली थी ज़रा चेक तो कर लें, क्या वो ये ऐसे ही मिली थी ना कि फैसल वाडा जब इलेक्शन लड़ा तो उसने नवाज शरीफ को हराया था ना, शहबाज शरीफ को, नवाज थानी शहबाज शरीफ को हरा देता है और जब बाय इलेक्शन होते हैं 2-2.5 साल बाद तो छठे नंबर पे आता है, वो छठे नंबर वाली पार्टी है ये PTI कराची के अंदर। मैं बड़ी क्लियरली कह सकता हूँ कि पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी, JUI और कौन सी पार्टी इधर, एक हद तक ANP भी इससे ऊपर है। किस तरीके से, मैं इनमें से एक आध नाम नहीं लूँगा, ऑब्वियसली मुनासिब नहीं होगा, MNNE MPS को जानता हूँ, एटलीस्ट 2 को जिनको मैं पहले से जानता था, एक शख्स एक दिन भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गया था, उसने खुद मुझे कहा एक दिन भी नहीं गया था। दूसरा जो है वो कहता है कि जी मैंने कोशिश तो की लेकिन जब इलेक्शन का मैंने माहौल देखा इलेक्शन के दिन, तो मैं इलेक्शन क्लोज हुआ 8-9 बजे मैं घर जाके सो गया। अगले दिन मुझे उठाया बच्चों ने, कहे तुम तो जीत गए इलेक्शन, ये हालत हुई थी।
वो इस तरीके के अगर इलेक्शन होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वो कोई गड़बड़ करने चाहे तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हमारी स्ट्रगल यही है कि फ्री फेयर इलेक्शंस हो और मौका दें। मुझे हमें पूरी उम्मीद है, इस वक्त जो रीसेंट इलेक्शन हुआ था लाहौर में, हम 5-6 हज़ार से 35 हज़ार रुपये आए थे, कितने 5.5 हज़ार से 35 हज़ार रुपये आए थे एक इलेक्शन में। मैं अभी ये CEC की मीटिंग में स्टडी कर रहा था 1970 की इलेक्शन। 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर 80-85% सीटें ले गई थी। पंजाब में पिछले 15 सालों में या स्पेशली 10 सालों में नहीं किया। मैं उसी पे आ रहा था ना, मैं इसीलिए 70 से किया कि 70 में भुट्टो साहब ने 80-85% पंजाब लिया था। और मैं वो वेबसाइट पे एक मिल गई मुझे जिसमें सारी सीटों के रिजल्ट्स थे। पहला डिस्ट्रिक्ट था कैम्बलपुर हुआ करता था उस वक्त, अटक। अटक से शुरू हुए पिंडी और फिर गोइंग डाउन लाहौर और फैसलाबाद तक 100% सीटें। लाहौर में उस वक्त सारी सीटें जीते थे पीपल्स पार्टी। और फिर साउथ में जाके थोड़ा डाउन हुई थी। अब हम इस वक्त साउथ में बात करते हैं कि हमारी साउथ में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जबकि साउथ में 50-50 था, ऊपर सारी सीटें जीत के आए थे। इसलिए कि भुट्टो साहब अपील कर गए थे लोगों को, अर्बन सेंटर्स को भी। अब हमारी यही है कि बिलावल साहब खुद भी जाके बैठ रहे हैं कि हम कहें कि जी हमने खुद अपनी जो पंजाब के अंदर वैक्यूम छोड़ दिया हुआ था। एक इवन एस पुरानी बात भी ना जाए, 88 में लाहौर की 10 में से 7 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती थी। और फिर अनफॉर्चुनेटली 90 और उसके बाद हमारा ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ कि हम करीब भी नहीं आ रहे। लेकिन हमारा ख्याल यही है कि हम अपना प्रोग्राम ले, लोगों के पास जाएं और हम वो वोट वापस ले सकते हैं। मैं तो ये भी कहूँगा, अक्सर जब हम आपस में बैठते हैं कहते हैं कि जी पंजाब से अगर 30-40 सीटें ले जाएं तो हम इन द रन आ जाएंगे फेडरल गवर्नमेंट की। सिंध अल्लाह का शुक्र है हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, हमें आगे भी उम्मीद है कि हम और बेहतर करेंगे। लेकिन मेरी पर्सनल ख्याल ये है कि हम इसको ना सोचें, हम पंजाब में हुकूमत जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम फेडरेशन में भी डिफरेंस नहीं मेक कर सकते। और हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमने पंजाब में हुकूमत बनानी है। जो आपने बात की ना बिल्कुल सही कि लोगों को हमें जाके सेल करना हो कि हम ऑल्टरनेट हैं नून लीग का। फॉर इंस्टेंस जो PTI कामयाब हो गई एक हद तक कहने में, और फिर उसकी सपोर्ट जो भी हुई या नहीं हुई उसको नहीं आता, हम इस वक्त इसी में जाएंगे कि हम आई डोंट कंसिडर PTI एज समबडी हु इज़ अ वेरी, जब तक अगर फिर से दोबारा वही कोई काम होता है उनके लिए तो और बात है, अदरवाइज ना इधर उन लोगों ने कुछ कर सके हैं जहाँ पे जीते भी हैं और ना पंजाब में हुआ है। तो हम जो रूलिंग पार्टी जो भी है उसको ऑल्टरनेट के तरीके से आएंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। When people are not writing about that, अब ऐसे तो नहीं जस्ट जर्नलिस्ट से तो नहीं वो चीज़ पूरी हो सकती। ऑब्वियसली इट शुड बी थ्रू MOU विद स्टूडेंट्स के हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स राइटअप्स लिखें, लाइक जिस तरह थर की सड़क है या डेवलपमेंट है, इस तरह इस्लामाबाद की IJP भी नहीं है। आई हैव ट्रेवल्ड देयर। सो द थिंग इज दैट के इज देयर एनी MOU बिटवीन द
تھرڈ ویلفیئر اوبویسلی ناٹ فرام دا گورنمنٹ لیکن تھرڈ ویلفیئر آرگنائزیشن ود یونیورسٹی از ٹو رائٹ اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف تھر یا اوبویسلی وٹس یور پلان ٹو فل دس ویکیوم وٹس یور اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں سی ای سی ہو گئی لیکن اس کے باوجود وہ پروجیکشن میڈیا پروجیکشن سے ہٹ کے بھی وہ کام نہیں ہے پنجاب میں کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے قائرہ صاحب ہے بٹ ہی از دیئر, ان کی وہ والا نہیں رہا اس طرح سے جو پہلے تھا, راجہ صاحب کا بھی تھا نہیں رہا. تو ابھی بھی کیا آپ لوگ کوئی ابھی آن گوئنگ ایسی چیز کر رہے ہیں جو آگے فائدہ مند ثابت ہو سکے؟ یہ کیا سب سے پہلے میں اپنے بھائی سعید غنی کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا. اور سعید غنی اور ناصر شاہ یہ دو ایسے آپ کے منسٹر ہیں, جب اسلام آباد آتے ہیں نا تو ہماری ان سے لڑائی ہوتی رہتی ہے. اور اتنے پیارے طریقے سے یہ دونوں بھائی ہمیں ہینڈل کرتے ہیں اور سارا اپنی روداد ہمیں سناتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے آنکھوں دیکھا حال دیکھنا ہے. کیا سندھ نے معذرت کے ساتھ سندھ حکومت کا وفاق میں امپریشن شاہ صاحب جتنا خراب ہے آپ بھی سمجھتے ہیں, میرے بھائی بھی سمجھتے ہیں. ایک تو ہم مشکور ہیں کہ ہم نے آنکھوں دیکھا حال دیکھا, وہاں سنا سب کچھ دیکھا. جس طرح پہلے تھر میں بچے مر رہے تھے, یہی ٹیم میکسیمم گئی واپس آئے, ہم نے رپورٹس بنائی. اب بچے اب بھی مر رہے ہوں گے لیکن وہ صورتحال نہیں ہے, ہم نے ساری صورت. تو ایک تو یہ میری یہ گزارش ہے کہ میرے بھائی نے ہمارے ساتھ بڑا پیار محبت کیا. دوسری یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب آپس میں پیار محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں تو کارکن کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اس کا دل نہیں دکھتا, اس نے جس نے مارے کھائی ہیں اس کے بارے میں پارٹی نے یا سندھ گورنمنٹ نے آج تک کیا سوچا وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ایک یہ بتا دیں. دوسرا میں ایک ہی ساتھ میں کر لیتے ہیں, پانی کا تنازع ہو, این ایف سی ایوارڈ ہو, توانائی کا معاملہ ہو, بلوں کا معاملہ ہو, سب سندھ حکومت ہی مسائل کھڑے کرتی ہے وفاق کے لیے. یہ وفاق کا گلہ ہے. اس پر آپ کیا دیکھیے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جو کہی بالکل صحیح بات کہ ہم نے کچھ اگر آگے بڑھنا ہو, میں نے کہا نا پنجاب میں ہم نے جیتنے کے لیے جانا ہے, وہ نہیں کرنا کہ ہم اتنی سیٹیں اٹھا لیں کہ ہمیں فیڈریشن میں منت ہو. اور اس کے لیے وی ہیو ٹو گو آؤٹ ٹو پیپل. یہ اس دفعہ سی سی میں ہی بات ہوئی اور چیئرمین صاحب کا پروگرام بھی ہے کہ وہ ڈویژن وائز جائیں گے, ڈویژن وائز وہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے, جس میں کسان, جس میں جو ٹریڈ باڈیز ہیں, اسٹوڈنٹس, لائرز, ان سب سے ملیں گے. اور دیٹ از ہاؤ بھٹو صاحب ایکچولی اسپریڈ اس میسیج. میں کہتا ہوں بھٹو صاحب جب کہتے تھے کہ بھٹو ایک نہیں ہو, ایک میں ہوں اور ایک سارے ہو, ان کی میں نے تو دیکھا تو تھا لیکن آبویسلی چھوٹے کا بھی ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے کیا, لیکن جو سنا ہے لوگوں سے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ جب آپ نکلتے تھے تو آپ اپنے آپ کو نالجبل زیادہ سمجھتے تھے اور آپ جو وہ کہتے تھے وہ سب کو بھٹو بنا کے آگے نکلتے تھے اور وہ اپنی میسیج دوسروں کو دیتے تھے. تو بلاول صاحب از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ تاکہ ہم اپنا پروگرام وہی جو شہید بھٹو کا ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے, اس کو آگے بڑھائیں. اگین ایزیئر سیٹ دین ڈن, لیکن ہماری کوشش یہی اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو اس وقت بھٹو صاحب بھی ہوا یہ تھا کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا, ماشاء اللہ کے لوگ خلاف تھے, ایک آلٹرنیٹ چاہ رہے تھے اور انہوں نے اس آلٹرنیٹ کو سامنے رکھا. عمران خان اسی تھیوری پہ آگے آیا تھا لیکن تین سال ساڑھے تین سال میں اس کا تو حال سب نے دیکھ لیا. تو اب میرے خیال سے یہ اور نون لیگ کے اپنے ایشوز ہیں بہت سارے, انٹرنل ایشوز بھی ہیں اور وہ ہمارا خیال ہے کہ وہ ویکیوم اس وقت دوبارہ کریٹ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی اپنا وہ جو عوامی میسج ہے وہ واپس لے کے لوگوں کے پاس جائے گی تو ہمیں وہ رسپانس ملے گا. سیکنڈلی فیڈرل گورنمنٹ کی ساری مصیبتیں ہماری وجہ سے ہیں تو وہ چینج کرتے رہتے ہیں,
उनको अपने ऊपर अभी भी ये जो अनफॉर्चुनेट बड़े वाकया जो मरी में हुआ है, तो इस वक्त तो मैंने जो देखे ही है कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह है, कभी कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने तूफान ज़्यादा कर दिया, बैठे छो यार तो चैम्बर में बैठे चाय मैं नहीं आऊँ बस पाँच मिनट में, जो अल्लाह ताला पे डाल देते हैं फिर लोगों पे डाल देते हैं कि वो गए क्यों, और जो किस्से हमने सुने हैं या जो मीडिया में देखा है या जो सोशल मीडिया पे देखा है उसमें टोटल उनकी है, तो अगर वो हमारे ऊपर डाल देते तो उनके भाई कसूर नहीं है, उनका काम ही है या पिछली हुकूमत पे डालें, और आजकल तो गंदम भी हमने शॉर्ट की, चीनी भी हमने शॉर्ट की, फर्टिलाइज़र भी हमने शॉर्ट किया, तो मैं हाँ हमने शॉर्ट किया, अफगानिस्तान भेज दिया इधर से हमने डायरेक्ट, लेकिन मैं ख़त्म कर लूँ, मैं उनसे यही कहता हूँ यार अगर सारी मुसीबत करने वाले हम हैं तो हटो इधर से, हमें चलाने तो हम तुम्हें दिखा देंगे। ये बात करते हैं कि जब मुराद अली शाह साहब मीटिंग में आते हैं तो वहाँ पे एक बात होती है, लेकिन वो जब मीडिया से बात करते हैं तो और करते हैं, वो ये एक लॉजिक देते हैं कि कभी आप बताएं कि मुराद अली शाह साहब ने वॉकआउट किया, कभी बायकॉट किया, उनका अंदर बड़ा अच्छा माहौल होता है। यार एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं अभी देखे मैं अंदर की कुछ एक दो ये मेरे गवाह होंगे एक मीटिंग में ये मेरे साथ थे, बाकी खैर वो जो होता है वो जब ये मेरे साथ थे तो मैंने डिसेंटिंग नोट एक और दिया था सीसीआई में, खैर वो मैं जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल नहीं होती तो उसमें ऑब्वियसली मैं साथ हूँगा, मैं क्यों मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करूँगा, लेकिन कई जगह कई के मेजॉरिटी जगहों पर जो हमारा इंटरेस्ट जो हम समझते हैं कि प्रोविंशियल इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, ना सिर्फ ये मेरे शाउटिंग मैचेस हुए और इसीलिए मैं पसंद नहीं हूँ, भाई क्यों मेरे खिलाफ सारा दिन, अगर इतना ही मैं अच्छा हूँ और सिर्फ मीडिया, और मीडिया पे तो मैं आता ही बहुत कम हूँ, मीडिया पे तो आजकल मुझे सिर्फ एक मौका मिलता है जब मेरी हाजिरी होती है जो कल इस्लामाबाद में, तो उस दिन मीडिया पे आता हूँ, तो अदरवाइज तो मैं आता ही नहीं मीडिया पे, तो मैं कब उनके खिलाफ मैंने बात की है। उसको भी रजिस्टर नहीं करवा सके, अभी गवर्नमेंट एक नई मर्दमशुमारी करने जा रही है जबकि 2023 तक उसकी प्लानिंग जो है वो बीच में रहेगी, अगर इसी मर्दमशुमारी पे नए इंतखाबात करवाए जाते हैं तो आपका क्या स्टांस होगा उस पर? इस मर्दमशुमारी पे जो अभी हो रही जो हो गई है ना 2017 वाली, नई मर्दमशुमारी तो अभी इन लोगों ने शुरू करनी है, अभी 14-13 तारीख को सीसीआई का इजलास है उसमें लेके आ रहे हैं, उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन हैं कि वो दोबारा वही चीज़ करने जा रहे हैं जिसपे हमें इतराज़ था, तो वो हम अपने इतराज़ डालेंगे उसके अंदर। इस वक्त तो इलेक्शन होंगे, जो भी मोस्ट रिसेंट नोटिफाइड होगी आपकी सेंसस, इस वक्त 2017 की अनफॉर्चुनेटली है जो हमें जिसपे इतराज़ थे, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज करूंगा, उसको हर लेवल पे ले जाऊंगा, और उसके बावजूद अक्सरियत होने की वजह से वो उसको करते हैं पास, मेरे पास और ऑप्शन नहीं रहता कि उसको मैं फॉलो करूं। ये शाह साहब ये बता दें कि मैंने एक सवाल और कर लूं, 4 बजे कॉल, मैं खैबर पख्तूनख्वा में मेरा ताल्लुक वहाँ से, तो मैं उसके कारकर्दगी को और फिर आपके कारकर्दगी को कंपेयर किया तो इम्पार्शली यहाँ पे बहुत काम हुआ है सिंध में, कराची में उस तरह नहीं हुआ जितना सिंध में हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप नंबर एक चीज़ है, मैं प्लीज़ सवाल मैं पूरा करूँ, मैं एक सेकंड इधर ही आपको थोड़ा सा रोक दूँ यार, प्लीज़ मुर्तज़ा आप बैठ के कराची में, कराची के साथ हमारे साथ एक और इशू क्या था, हम 2008 में जब आए लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, पहले हमने वो रिकन्सिलिएशन मोड में गए, एम क्यू एम के साथ बैठे, गलती की नहीं की, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि हम साथ मिल के करें, और 2008 से लेके 2014 तक हमने अपना टाइम वेस्ट किया सर, मैं ख़त्म कर लूँ ना, ठीक है, उसके बाद आप देखें 2014 से हम कंटिन्यूसली कराची के अंदर शारा फैसल भुट्टो साहब ने एक्सपेंड की थी, उसके बाद अभी 2016 में जाके हुई है 17 में, आपके सारे पुराने रोड फ्लाई ओवर्स बने, अंडर पासिस बने, मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट, मैं खुलेआम कहता हूँ कि उनकी जो कराची को अगर पानी आपने डिजिटल देना है तो सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं अकेले, अनफॉर्चुनेटली ना नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ना ये गवर्नमेंट वो तरीके से कॉपरेट करती है हमारे साथ। आप इस वक्त पंजाब के अंदर एक साल में
40-45 अरब के नए हाईवेज बनाते हैं, और सिंध के अंदर आप आके कहते हैं कि जी मैं लियारी की स्ट्रीट नंबर 4 का गटर नंबर 5 रिपेयर कर रहा हूँ, तो कराची में मुझे मुराद अली शाह काम नहीं करने देता। मैं कहता तुम्हारा ही काम नहीं है, तुम ये मेजर प्रोजेक्ट हो। सॉरी सर, सवाल ये है कि आप लोगों का काम भी है, हमने देखा, लेकिन जो चीज़ें आपके खिलाफ एक मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो चीज़ें होती है, उमर रुबाब का केस है या इसके अलावा नाजिम जोकियों का केस आया, तो वो बात यह कि पीपल्स पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो करती है मुल्क में, इजहार राय की, जमहूरियत की, लेकिन फिर जो लोग नाजिम जोकियों के कत्ल में या उमर रुबाब के कत्ल में, उसको आपके साथ जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अटैच लोग के वडेरे या जो भी है वो शायद पार्टी से या मुराद अली शाह साहब से भी ताकतवर है, तो इस चीज़ से आपको पर डैमेज किया जाता है। उमर रुबाब का केस आपके सामने, हमारे भी उनसे मुलाकातें हुई है, नाजिम जोकियों का केस आप लोग के खिलाफ उचाला गया, तो इसके लिए आप क्या करते हो? दोनों केसेस का जो हमारा, मैं आपको बताता हूँ, उमर रुबाब के केस में उन्होंने हमारे दो MPs को, उमर रुबाब साहिबा ने कहा, केस कहता है कि जो बुरहान चांडियो आया, उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया, उसने इशारा किया और दूसरे बंदे ने मारा। वाकया हुआ है, मुझे टाइम याद नहीं है, 10 बजे सुबह या 11 बजे सुबह, और बुरहान चांडियो उसी दिन 1:30 बजे बदीन में मेरे और बिलावल साहब के साथ है। और फिर आप कहें, अगर देखिए एक खादी बहुत हुआ है कि उनका एक हुआ, आपको पता है उमर रुबाब को ये वालिद और उसको मारा किसने? उनके अपने कज़न ने, आपस की फैमिली के इश्यूज हैं, वो उन्होंने एक लेवल आपने ऊपर ले गए उसको, आप सरदार नवाबों को ले आए बीच में, पूरी कम्युनिटी यहाँ एक इंटरेस्ट हो गया, इंसाफ हर एक के साथ होना चाहिए। लेकिन गलत आप ये तो, और आज तक वो बंदा अपने आप को केस से नहीं निकाल सका, गवाह मैं हूँ कि वो उस वक्त मौजूद नहीं, हो ही नहीं सकता, 8 घंटे का रास्ता या 6 घंटे का रास्ता है कम अज़ कम, वो हो ही नहीं सकता, वो उस वक्त तो था, उससे पहले से उधर मौजूद था, रात हैदराबाद रहा था वो। लेकिन अब एक खातून है और ऑब्वियसली उनके डेथ हुई है, वालिद की मर्डर किया गया है, तो लोगों की सिंपथीज उनके साथ होंगी, ये तो मतलब नहीं कि एक आप आदमी को, और अगर वो इलेक्टेड बंदा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है और उस पर इल्ज़ाम आए तो हम कहेंगे कर लो। उन्होंने हर लेवल पर कहाँ बताएं हुकूमत के साथ दिया है, चीफ जस्टिस के लेवल के लोग आके और ऑर्डर्स उनके खिलाफ पास करके गए, बट दे हैव गॉन टू ऑल कोर्ट्स, अभी भी वो हर कोर्ट अटेंड करते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाके बेले लिए हैं, बेल पे हैं दोनों, तो क्या हमने किया? दूसरा केस नाजिम जोकियों का वेरी अनफॉर्चुनेट, पीपल्स पार्टी ने अपने MPA को 24 घंटे में फोर्स किया कि वो सरेंडर करे, वो अभी तक जेल में है। दूसरा MNA जो है वो एब्सकॉन्ड कर गया है इस वक्त जो पोजीशन है, अब हम पकड़ के एब्सकॉन्डर्स कितने हैं केसेस में, अगेन उसको एक पॉलिटिकल रंग देके आप अगर उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं यार। और हम इस चीज़ में, मैं इधर KPK में से आप हैं वो मैं सुनता हूँ गंडापुर साहब के बारे में, वो पता नहीं सही है कि मैं नहीं कोई राय दे सकता, लेकिन अगर यही गए तो क्राइटेरिया, तो वाई इज़ इट गंडापुर अंडर प्रिजन एक दिन भी नहीं रहा? इधर तो यार दो MPA जो हैं वो हर हफ्ते कोर्ट में चक्कर में बैठे थे, जब वो कोर्ट जाते हैं तो उधर जाके वो खातून से, मैं कहता हूँ अगेन शोर मचाती, मुझे जान का ख़तरा है, तो दो पुलिस की मोबाइल और एक रेंजर्स की मोबाइल उनके साथ है, मतलब जान इधर है। हमारे पास एक पहले आए थे मशहूर, मेरे खिलाफ भी उन्होंने केस किए थे, महमूद अख्तर नकवी, वो केस करके कहते मुझे जान का खतरा है, सिंध गवर्नमेंट का कोर्ट कहती थी कि इसको पुलिस मोबाइल दो, हम तो अजीब ही चक्कर में आप, मतलब अगेन परसेप्शन नहीं। तो इन दो केसेस में हम किसी भी तरीके से किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। नाजिम जोकियों वाले केस में उन्होंने कहा कि जी हमें इन्वेस्टिगेशन अपनी मर्जी की चाहिए, ये कभी होना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ ये अंडर प्रेशर इन्वेस्टिगेशन का SP DSP इंस्पेक्टर जो तीन लोग हैं, तीनों नाम फैमिली ने, भाई ने लिख के दिए कि हमें ये लोग चाहिए, हमने वो अपॉइंट कर दिए, नहीं तो होना वैसे नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि
कि मैं अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेट, हुकूमत को खुद ही होना चाहिए, लेकिन वो भी हम मान लेते हैं अंडर प्रेशर आके, तो हम तो अर्जी करें, लेकिन अगेन कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको आप, और सिंध के साथ पता नहीं कि वो बटेरों का नाम भी आ जाता है उधर, कई ये गंडापुर वालों का मुझे केस याद है, एक और आज भी केस याद है से, वो उधर क्यों नहीं होता यार, इतनी मीडिया कवरेज, इतनी मीडिया और इतनी कोर्ट्स की सपोर्ट। अभी हालत ये है कि उमेर उबाब साहिबा उधर जाती हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे मुझे बहुत यू नो फील फॉर हर, कि उनकी फैमिली उधर जाके उनको कहती है तुम भी पुलिस मांगो और रेंजर्स मांगो, मतलब आप इंसाफ मांगो यार। शाह जी, शाह साहब मेरा एक, शाह साहब मेरा एक सवाल है, आई डोंट नो क्या वजह पर आखिरी कल शाह साहब परफॉर्मेंस के साथ साथ जा रहे हैं जो इस्लामाबाद वाले, कल सुबह मुलाकात होगी फिर उधर। शाह साहब परफॉर्मेंस के साथ साथ परसेप्शन मैटर करती है। पीपल्स पार्टी का अलमिया ये है कि वो अपनी परसेप्शन दुरुस्त नहीं कर पा रही बहुत अरसे से, लेकिन आप किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पंजाब में इलेक्शन जीतेंगे? जो आपकी परफॉर्मेंस है, अगर आप पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर परसेप्शन बेहतर नहीं बनाएंगे तो इसमें आपको मीडिया तो नहीं रोकता, आप अपने जलसों में चीजें क्यों नहीं अपनी पार्टी के जरिए इस्तेमाल करते? सर बात यह है कि जैसे उन्होंने बात की, आज तक पीपल्स पार्टी अपनी परसेप्शन बेहतर करने में और उनके नैरेटिव को नाकाम करने में क्यों नाकाम है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है, एक बड़ा सवाल जो इसका जवाब आपको देना है, चाहे आप आज दें चाहे आप इलेक्शन में दें। एक चीज, दूसरी चीज ये है, 2008 में पिंडी डिवीजन में आपकी दो बड़ी सीटें आ गई, एक को आपने वजीर दिफा मुमलिकत बना दिया, दूसरे को वजीर आजम बनाया, लेकिन देखिए पिंडी डिवीजन में क्या काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी इस्लामाबाद से सराउंडिंग एरिया जो अगर आप उसको ये करें 400 किलोमीटर के एरिया में, वहाँ पे जो सड़कों की हालत है, वहाँ पे जो पावर्टी की हालत है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो थर से बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो उस वक्त से ख़राब है 2006 से लेके आज 2022 में हम बैठे हुए हैं, अभी तक वहाँ पे 26 सालों में 24 सालों में कोई काम नहीं हुआ। कि पीपल्स पार्टी ने अपने उस विफाकी हुकूमत के दौर में क्यों अपनी परसेप्शन जो है पंजाब में बेहतर नहीं की जबकि उसके पास मौका था, ये काम एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो थर की बात है, थर की बात करता हूँ कि थर में अच्छी सड़कें हमने देखी हैं, बहुत अच्छा देखा है, लेकिन थर में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर सीवरेज का एक बड़ा मसला मैंने खुद ऑब्जर्व किया, देखा बड़े बड़े खड्डे हमने देखे हैं, उसके साथ वहाँ पे उन लोगों से बात की है, पावर्टी का एक बहुत बड़ा इशू वहाँ पे है। तीसरी चीज़ यह, जैसे अभी बता रहे थे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं आप और 1320 मेगावाट तक आप जो प्लांट वन है उसका ब्लॉक वन का वो आप हुआ है, और जो दूसरा है जो 660 का है उसे भी आप 1300 मेगावाट लेके जा रहे हैं, इतनी बिजली पैदा होती है, तो क्या मुस्तकबिल में घर के हवाले से कुछ इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बनाएंगे या फिर ये बिजली मेन इशू था परसेप्शन हम क्यों नहीं दुरुस्त कर सके और हमें कोई रोकता नहीं है और हम क्या लेके जाएंगे आगे। देखिए जहाँ तक आपका है कि 2008 से 13 तक जरूर हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी इशूज हमारे साथ ये थे कि हमने, और मैंने अभी जैसे कहा ना कि पंजाब को हमें जीतना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम परफॉर्म कर सकें, अब हम यही प्रोग्राम लेके आगे जाना चाह रहे हैं कि हमने पंजाब जीतना है अगले इलेक्शन में, पंजाब जीतेंगे तो फेडरेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी, और वो जो पहले हमारी जो 2008 से 13 में सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने पंजाब को इग्नोर किया, वो उसकी सज़ा हम भुगत चुके हैं। हमने जैसे मैंने कहा 88 में मेजोरिटी, इवन 2002 में हमने अच्छी सीटें ली थी पंजाब से, 8 में बीबी की शहादत हो गई थी उस वक्त भी ली थी, बस 13 के बाद से हमारा ऐसा डिक्लाइन शुरू हुआ है, और इसमें एक बार 90 में हमने कोई सीट नहीं ली थी, जब पंजाब से 97 में नहीं ली थी सीट, उससे हम 2002 में जम करके आए थे जबकि मुशर्रफ
की मुखालिफ गवर्नमेंट थी, शहीद मोहतरमा मुल्क में नहीं थी, एग्जाइल में थी, फिर भी हमने नंबर याद नहीं मुझे, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्म किया था। तो हम कर सकते हैं, हमने जो एक मैसेज दिया कि पंजाब को छोड़ दो, उससे हमने निकलना है। और हम वो परसेप्शन भी तभी चेंज होगी जब हम कहेंगे कि हम पंजाब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और कोशिश भी ये होनी चाहिए हमारी, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी भी होगी। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो परसेप्शन हमारी कभी नहीं बनेगी, तरह चाहे जो कुछ भी कर लें। हमने कोशिश की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थर में या पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में बहुत गुंजाइश है। अभी हम ये तो नहीं कह रहे कि हमने सब चीज़ें दुरुस्त करनी है थर के अंदर। मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि जो थर वाले कोई भी, आप एक आध थर वाले जर्नलिस्ट भी अपने पूछ लें, 2015 से पहले या 2012 से पहले, अभी आप थर गए होंगे, आपको वो होटल्स भी मिले होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरीके से बढ़ती है ना, आपको वो कैरवान होटल्स भी मिले होंगे, देखे होंगे आपने। पहले कौन जाता था थर यार, कोई सोचता भी नहीं था थर जाने के लिए। बारिशें होती थी तो चला जाता था, कोई और फैसिलिटी नहीं होती थी। देखें तो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, आपसे ही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, मिट्टी आए मिट्टी शहर मैंने थोड़ा ज़्यादा घूमा है, बाकी बनस्पत बाकी शहरों के मेरा ख्याल अच्छा खासा साफ़ सुथरा शहर है मिट्टी। मैं गया था पीपलो, बारिशों में पीछे एक प्रॉब्लम था और सारा इलाका डूब गया था, अरबाब साहब का है शहर, और उधर हमने कर रहे हैं कोशिश, लेकिन वो भी इतना खूबसूरत लीपलो आप इतनी जा सकेगी नहीं, मगर वो मिट्टी तो फिर भी फ्लैट है। लीपलो बड़ा खूबसूरत शहर है अगर सही तरह, और पुराना एक है, उसमें पहाड़ है और फिर वैली आ जाती है बीच में, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सारी अगेन मैं कहता हूँ कि हमने सब चीज़ें ठीक की है, और ना हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने सब कुछ ठीक किया, लेकिन कोशिश ज़रूर करें। अच्छा आप लोग का टाइम है अगर, अरबाब साहब हमारे स्पेशल असिस्टेंट स्पोर्ट्स के, नहीं थर में रैली कर रहे हैं हम, और बल्कि कल जा रहे हैं, कल आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं वापस, अभी वो इसीलिए उसी सिलसिले में आए थे। तो जो डेजर्ट रैली एक है ना, चोलिस्तान में भी होती है, बलोचिस्तान में भी होती है, थर में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे। मैं अगर जी ग्रुप फोटो जल्दी कर लें अगर